हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब? तो जो आज का मेरा वीडियो है, इसमें मैं कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ। तो दिस इज नॉट लाइक माई यूजुअल लेक्चर। ये वीडियो बनाया है मैंने आप सबको थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड बाय द रेस्पॉन्स आई गॉट ऑन माई फर्स्ट कोर्स, दैट वॉज सुपरवाइजर। तो मेरी चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं, जिसकी वजह से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। चैनल हैज ग्रोन एंड शोन एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और ये सब पॉसिबल हुआ है स्टूडेंट्स की वजह से। जितना टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रो स्टूडेंट को ग्रो करवाने में, स्टूडेंट भी उतना हकदार होता है थैंक यू के, एक टीचर की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो आपकी ग्रोथ के साथ मेरी चैनल की भी एंड मेरी एज अ टीचर भी ग्रोथ हुई है। टीचिंग बींग माई पैशन, जब मैंने चैनल स्टार्ट की थी तो मेरे दिमाग में कोई टारगेट नहीं था कि यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है। आई जस्ट वॉन्टेड टू टीच, और मैं आज भी यही करना चाहती हूँ। मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ आने वाले सब एग्जाम्स के लिए। जो मेरी ये चैनल है, ये सिर्फ सुपरवाइजर एग्जाम या सोशोलॉजी के लिए नहीं है। मैं आपके हर एग्जाम में आपके साथ हूँ, चाहे वो पटवारी का हो, नायब तहसीलदार का हो, आपके KS का एग्जाम हो, या कोई UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। हर एग्जाम में अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके, कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सी यूट्यूब की चैनल फॉलो करनी है, तो आई एम हेयर टू गाइड माई स्टूडेंट्स। तो मेरी चैनल में आपको डिफरेंट ये चीज मिलेगी कि आपको टीचर की अवेलेबिलिटी मिलती है। क्योंकि मुझे एज अ स्टूडेंट हमेशा फील होता था कि टीचर को हमेशा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो मुझे आज भी काफी मैसेजेस आती हैं, एंड ये बोलने के बाद भी कि कट ऑफ के रिलेटेड मैसेज नहीं करना, कॉल नहीं करना, बट स्टिल कॉल आते हैं, मैसेजेस आती हैं, एंड आई ट्राई टू बी एज रिस्पॉन्सिव एज आई कैन। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट इस चैनल को इतना आगे तक ले जाने के लिए। ये स्टूडेंट्स के बगैर, उनकी मेहनत के बगैर पॉसिबल नहीं था। जैसे हमने सुपरवाइजर एग्जाम में मेहनत की, मैंने भी आपके साथ मेहनत की एंड आपको मेहनत करवाई। आपके रिवीजन सीरीज, MCQ सीरीज वगैरह सब कुछ आपको दिया, ताकि आपका एग्जाम जो है एक अच्छे आप अच्छा स्कोर कर पाओ उस एग्जाम में। वैसे ही मैं आपके साथ बाकी एग्जाम्स में भी हूँ। जैसी मेहनत हमने सुपरवाइजर में भी की, वैसी मेहनत हम बाकी एग्जाम्स में भी करेंगे। ठीक है, एंड डोंट बी डिसहार्टन। जिनका ये पेपर अच्छा नहीं हुआ, वो डिसहार्टन नहीं हो जाए। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। कोई एग्जाम्स आप अच्छे करोगे, कोई एग्जाम्स आप अच्छे नहीं करोगे, जस्ट डोंट लूज होप इन योर सेल्फ। ठीक है, आप मेहनत करें, खुद पे यकीन रखें कि आप ये एग्जाम्स जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्जाम आपकी काबिलियत से बढ़कर नहीं है। ठीक है, खुद को जो है अपनी काबिलियत को इस एग्जाम से ऊपर माने, तभी आपको लगेगा कि ये एग्जाम जो है आपके रीच में है। और अपने लिए कोई बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करें कि आप सिर्फ SSB ही प्रिपेयर कर सकते हैं, अपेयर कर सकते हैं, लाइक सिर्फ पटवारी एंड NT। नहीं, आप हर एग्जाम की जो है पोटेंशियल रखते हैं, हर एग्जाम क्वालिफाई करने का। आप में काबिलियत है KS ऑफिसर बनने की, एंड आप में काबिलियत है IS ऑफिसर बनने की। और ये बात जो है ये कोई जुटला नहीं सकता, एंड इस थॉट को आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा कि फॉर यू स्काई इज द लिमिट। आप जहां चाहे, जो एग्जाम के लिए चाहे वो पढ़ सकते हैं। हाँ, आपको क्या चाहिए इसमें? राइट गाइडेंस चाहिए, जिसके लिए मैं हूँ, मेरी चैनल है। ठीक है, तो मेरी चैनल में ऐसे ही आपको वैल्यूबल कंटेंट मिलता रहे, उसके लिए आपको क्या करना होगा? मेरी चैनल को शेयर करना होगा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। ठीक है, उनको बताना होगा कि इस चैनल पे आपको कैसा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, और बस आपको मेहनत करनी है, आपको टेंशन नहीं लेना। यू कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, एंड आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? अपनी हार्डवर्क को कंट्रोल कर सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना कंट्रोल कर सकते हो, अपने लिए कंसिस्टेंसी कंट्रोल कर सकते हो। वो सब चीजें आपके हाथ में है। फिर एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगी, एग्जाम कौन सी बॉडी कंडक्ट कर रही है, रिजल्ट क्या आएगा, वो सब आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए उस पर सोचना सिर्फ टाइम बर्बादी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? बस आप मेहनत करो, एंड अगर आप सिंसियरली मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल आपको ये फल जो है मेहनत का जरूर मिलेगा। फाइन, और ये हमेशा याद रखना, मी एज अ टीचर आई बिलीव इन यू। और जब आपको टीचर ये चीज बोल रही है कि मैं आप पे बिलीव करती हूँ, तो व्हाट स्टॉपिंग यू फ्रॉम बिलीविंग योर सेल्फ? ठीक है, तो जैसे मैं आप पे बिलीव करती हूँ, आपको खुद पे भी यकीन रखना पड़ेगा कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक, एंड इसके साथ ही एक अनाउंसमेंट, मैं अपनी एक वेबसाइट लॉन्च कर रही हूँ, जो कि अभी अंडर प्रोसेस है।
उस वेबसाइट में आपको सारा कंटेंट जो है एक जगह मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज पीडीएफ वगैरह सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह पेड होंगी एंड बाकी जो कंटेंट होगा कुछ वो फ्री होगा। अब जो पेड टेस्ट सीरीज है उसका लाने का मकसद क्या है, क्योंकि अब जैसे टफ टफ एग्जाम्स हमारे शुरू हो रहे हैं, दैट रिक्वायर्स सम कमिटमेंट मेरी तरफ से भी एंड आपकी तरफ से भी। तो मुझे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया है कि मैं पेड टेस्ट सीरीज लेके आऊं, ताकि मैं भी सीरियसली टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करूं उनके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में, और वो पैसे बर्बाद ना करें कहीं और जाके, ठीक है। एंड वो भी जो है पैसे खर्च के वो टेस्ट सीरीज लें, ताकि उनपे भी थोड़ा प्रेशर रहे वो टेस्ट सीरीज अच्छे से अटेंड करने का। फाइन, तो ये आपको उस वेबसाइट पे सब कुछ मिलेगा। एंड जो मेरी यूट्यूब पे कंटेंट आता है जिसपे मैं सिलेबस कवर करवा रही हूँ, वो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेंगी। एंड मेरी गाइडेंस भी आपके लिए है। यू हैव माई ईमेल आईडी, आप कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कभी भी मेल कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप लग जाओ काम पे। एंड थैंक यू अगेन फॉर हेल्पिंग मी रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स, एंड आई नो फॉर मी ऑल्सो स्काई इज द लिमिट। मैं चाहती हूँ कि ये चैनल बहुत आगे जाए, एंड इस सब में आप स्टूडेंट्स को मेरा साथ देना होगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी हो तो मुझे मेल करो, कॉमेंट करो, व्हाट्सएप करो, एवरी प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू गाइज, ठीक है। तो एज ए ऑलवेज से टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।